जीएसटी 5 करोड़ से कम टर्नओवर पर मासिक रिटर्न दाखिल करना जरूरी नहीं। सरकार ने कारोबारियों को जीएसटी के मामले में बड़ी राहत दी है। 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर होने पर जीएसटी का मासिक रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने सोमवार को ये जानकारी दी। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में कारोबारियों को राहत मिलेगी। पांडे ने कहा कि नए नियम अगले साल 1 जनवरी से लागू होंगे। इसका मतलब ये है कि अब 5 करोड़ रुपए कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को GSTR-3B और GSTR-1 फॉर्म दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अप्रैल से जुलाई के दौरान गैर बासमती चावल के निर्यात में 68% उछाल। भारत में गैर बासमती चावल के निर्यात में अप्रैल से जुलाई के दौरान 68% उछाल आया है। थाईलैंड के चावल में उत्पादन घटा है, जिससे भारत से निर्यात बढ़ा है। भारत ने इस वित्त वर्ष के पहले 4 महीने में 29.9 लाख टन गैर बासमती चावल का निर्यात किया, जो एक साल पहले 17.8 लाख टन था। अप्रैल से जुलाई के दौरान गैर बासमती चावल के निर्यात से देश में 8,903 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा आई। पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि में गैर बासमती चावल के निर्यात से 4,816 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा देश में आई थी। उधार का मसला जीएसटी परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर, केंद्र और राज्य सरकार को करनी होगी पहल। जीएसटी कंपनसेशन को लेकर केंद्र सरकार और राज्यों के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सूत्रों के मुताबिक भले ही राज्य जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र के इस रकम को उधार लेने की बात कर रहे हों, लेकिन असल में ये मामला काउंसिल के अधिकार क्षेत्र का है ही नहीं। मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक जीएसटी परिषद को सिर्फ इस बात का अधिकार है कि वो उत्पादों पर सेस लगाकर कंपनसेशन का घाटा पूरा कर सके। उधारी के मामले में राज्य और केंद्र सरकार को अपनी तरफ से पहल करनी होती है। केंद्र सरकार ने कंपनसेशन सेस की अवधि को बढ़ाने का भी फैसला कर लिया है। ऐसे में गेंद अब राज्यों के पाले में है कि वो या तो केंद्र सरकार के आरबीआई के जरिए उधार लेने और उस रकम को 2020 के बाद इकट्ठा होने वाले कंपनसेशन सेस के जरिए चुकाने के लिए तैयार हों, या फिर कोई नया रास्ता तलाशें। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ जो उधारी के विकल्प सुझाए थे, उसमें राज्यों को रिजर्व बैंक से उधारी का विकल्प दिया गया है। इसमें से पहले विकल्प के तौर पर 1.10 लाख करोड़ रुपए उधार लेने पर 21 राज्य सहमत भी हो चुके हैं। सोमवार को हुई परिषद की बैठक में बाकी राज्यों के विरोध को देखते हुए इस पर अंतिम फैसला फिलहाल 12 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया है। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।